पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए द्वारा ग्राम ठक्का में निर्मित ईडब्ल्यूएस एलआईजी और मिनी एमआईजी भवनों के परिसर का नाम अरावली शिवालिक और विध्यांचल एनक्लेव होगा कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अच्छे एनक्लेव की तरह ही सुविधाएं भी दी जाएंगी। वीसी ने वहां सभी सुविधाओं को व्यवस्थित करने के साथ एलआईजी आवास में एक को मॉडल आवास बनाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें वहां आवास देखने पहुंचे लोगों को उसे दिखाया जा सके। अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ उन्होंने वहां बहुमंजिला निर्मित 176 एलआईजी भवनों का निरीक्षण किया। जन सामान्य को इस भवन की बिक्री की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कर्मियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। भूतल पर निर्मित तो कुछ भवनों की उचित प्रकार से रंग रोगन कराते हुए मॉडल हाउस बनवाने, प्रवेश द्वार पर गेट शीघ्र लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था उचित प्रकार से हो सके। बहुमंजिला एमएमआईजी के 32 ईडब्ल्यूएस के 176 आवासों का भी निरीक्षण करने के साथ सुरक्षा की दृष्टि से परिसर के पीछे और साइड में बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एमडीए सचिव राजीव पांडे, मुख्य अभियंता नीरज गुप्ता, अधिशासी अभियंता अमित कादियान, प्रभारी संपत्ति आरआरबी आदि के साथ और भी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वीसी मुरादाबाद ने बताया कि पत्रकारों, वकील, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी समेत संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को आवास आवंटन में वरीयता देते हुए उनकी मांग पर एक एक ब्लॉक भी आवंटित किया जाएगा। इसे पूरे ब्लॉक में एक ही कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग एक साथ रह सकेंगे और प्राधिकरण ऐसे समूह के पास स्वयं प्रस्ताव लेकर जाएगा। विभिन्न बैंकों से होम लोन कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, हमारी ढक्का क्षेत्र में 4 स्टोरी के आवास बनाए गए हैं। बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और उसमें हमारे जो न्यून आय वर्ग के लोग हैं और जो अत्यंत जो है कम आय वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी आवास हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ईडब्ल्यूएस के जो आवास हैं वो करीब करीब जो है 30 वर्ग मीटर के, और जो एलआईजी के आवास हैं करीब करीब 75 वर्ग मीटर के, इस तरह के आवास हैं। तो इनकी कीमत जो है बिल्कुल अफोर्डेबल दाम पर हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं और उसमें सारी सुविधाएं जो हैं उससे संपन्न ये आवास रहेंगे। इन लोगों को हम लोगों ने जो है अरावली, विंध्याचल और शिवालिक करके इनका एनक्लेव बनाने का भी हमने इसमें काम शुरू कर लिया है। चारों तरफ से बाउंड्री बना करके गेटेड एनक्लेव रूप में ये रहेंगे। वहाँ पे समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, पार्क से लेकर के पार्किंग व्यवस्था और सभी प्रकार की जो है उसमें जो मॉडर्न सुविधाएं उसमें उपलब्ध रहेंगी। मुरादाबाद की जनता से अपील ये रहेगी कि किसी यदि जो है वर्ग विशेष के लोग यदि ये चाहते हैं कि उनके अपने जैसे जो प्रोफेशनल साथी हैं उनका एक कॉलोनी बन जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। चाहे वो शिक्षक साथी हों हमारे, चाहे वो हमारे पुलिस के साथी हों, बैंकर्स हों, इवन हमारे पत्रकार साथीगण भी अगर चाहें तो एक सामूहिक रूप से वहाँ पर जो है एक साथ जा करके उन आवासों को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आवास इसमें जो है प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धांत पर अभी दिए जा रहे हैं और काफ़ी अफोर्डेबल दरों पर हैं। वहाँ पर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दिया है, अच्छी रोड्स और सभी प्रकार के पार्क इत्यादि की सुविधा वहाँ अवेलेबल है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।